गाइज, अगर आपको 10,000 रुपये से कम के प्राइस बजट पर एक बेस्ट स्मार्टफोन लेना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो, क्योंकि इन्फिनिक्स 20 मई को इंडिया के अंदर बजट सेगमेंट में अपना एक बहुत ही जबरदस्त स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है इन्फिनिक्स हॉट 10S, जहां आपको इस बार बहुत ही खास फीचर्स देखने को मिलेंगे जो इस प्राइस रेंज में आपको बाकी फोन्स में देखने को नहीं मिलते। एंड ट्रस्ट मी गाइज, डिवाइस बहुत ही कमाल का रहने वाला है, खासकर गेमर्स के लिए। सो फ्लिपकार्ट के ऊपर इसका जो प्रोडक्ट पेज है वो लाइव हो चुका है, आप वहां पर जाकर काफी सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, तो वीडियो के साथ में लास्ट तक जरूर से बने रहना। तो हे व्हाट्स अप गाइस, मैं उमेश, आप देख रहे हैं स्टेप बना, और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना कोई टाइम गवाए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस बार इस डिवाइस में आपको काफी कुछ खास देखने को मिलेगा, तो ये डिवाइस 90Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ में आएगा। और अगर मोस्ट हाईलाइटिंग फीचर की बात करें तो वो है इसका प्रोसेसर। गाइस, इस डिवाइस के साथ में आपको मीडियाटेक हीलियो G85 का पावरफुल चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग चिपसेट है। सो बेसिकली जो डिवाइस होगा एक गेमिंग सेंट्रिक डिवाइस होगा। अब गेमिंग परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए इस डिवाइस के साथ में इन्फिनिक्स ने एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है डार्लिंक, जो कि एक गेम बूस्ट टेक्नोलॉजी है और आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है उसको और ज़्यादा इंप्रूव कर देगी। अब आप जानते हैं कि डिवाइस के साथ में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, तो जो डार्लिंग फीचर है इसकी वजह से आपको जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मिलेगा, क्योंकि ये जो फीचर आपके गेम फ्रेम को आपकी रिफ्रेश रेट के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करेगा, जिससे काफ़ी बार आपको जो स्क्रीन टेयरिंग का इशू देखने को मिलता है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें टच रिस्पॉन्स की, तो वो बहुत ही कमाल का रहने वाला है, क्योंकि इस डिवाइस के साथ में आपको 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिलेगा, और जो ऑप्टिमाइजेशन है वो भी काफी कमाल का किया गया है, जिससे आपको इस डिवाइस के साथ में जो हीटिंग इशू है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। और गेमिंग करते टाइम जो कलर रिप्रोडक्शन है वो भी आपको काफी ज्यादा इंप्रूव मिलेगा, तो गेमिंग करते टाइम आपको नो डाउट काफी ज्यादा मजा आने वाला है। गाइस, ये तो बात हो गई गेमिंग की। अगर बात करें कुछ इंटरेस्टिंग फीचर की, तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट XOS 7.6 देखने को मिलेगा, विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11, तो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट भी आपको इस डिवाइस के साथ में मिलने वाला है। अब बात करें कुछ इंटरेस्टिंग फीचर की, XOS 7.6 में आपको क्या देखने को मिलता है। गाइस, ये जो XOS 7.6 होगा ये पहले के मुकाबले काफी ज्यादा इंप्रूव होगा, रिफ्रेश्ड आइकन होंगे, नए वॉलपेपर्स और नए थीम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और आपके यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए यहाँ पर काफी सारे एडिशनल फीचर भी ऐड किए गए हैं, जो आपकी डे टू डे लाइफ में काफी यूजफुल हो सकते हैं, और डेफिनेटली आप में से काफी सारे लोग इन फीचर का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे थे। तो गाइस, फाइनली XOS 7.6 में आपको ड्यूअल ऐप का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, जिसे काफी लोग क्लोन ऐप के नाम से भी जानते हैं, तो अब इस डिवाइस के साथ आप ड्यूअल ऐप्स को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अल्ट्रा टच का ऑप्शन भी दिया गया है, जहां पर आप स्वाइप स्पीड को या फिर मोशन स्पीड को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको थंडर बैग जैसा फीचर भी यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि मल्टीटास्किंग करते टाइम आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। इस फीचर की मदद से आप किसी भी ऐप को PIP मोड के अंदर यूज कर सकते हैं, जिससे आपको मल्टीटास्किंग में काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, आप सेम टाइम पर दो एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा यूजफुल फीचर है। इसके अलावा बात करें एक और इंटरेस्टिंग फीचर की, तो यहां पर आपको फ्लैश लाइट को 360 डिग्री में यूज करने का ऑप्शन मिलता है, तो डिवाइस के फ्रंट में और बैक में जो फ्लैश लाइट दी गई है उसे आप 360 डिग्री तक एक साथ यूज कर सकते हैं, तो ये काफी लोगों के लिए एक यूजफुल फीचर है। अगर बात करें कुछ सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर उनका भी काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है। तो यहाँ पर आपको एक्स हाइड फीचर देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने बैंकिंग ऐप को, पर्सनल ऐप को या फिर अपने सोशल मीडिया ऐप को लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर थीफ अलर्ट का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत ही यूजफुल फीचर है। अगर आप कहीं पर शादी में गए या फिर आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं या फिर रेलवे स्टेशन या कहीं पर भी जाते हैं, तो अगर आपकी फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है और आपको चार्ज करना है और जो पावर प्लग है वो आपसे काफी ज्यादा दूर है और आप वहां पर कंटिन्यूअसली नहीं बैठ सकते और आपको डिवाइस की चोरी होने का डर है, तो आप यहां पर इस फीचर को यूज कर सकते हैं, जिससे अगर आपके फोन को कोई चार्जर से निकालता है, मतलब आपके फोन के चोरी होने का डर होता है, तो ऐसे टाइम पर आपके फोन के अंदर एक अलार्म बज जाएगा, जिससे आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ किसी ने चार्जर हटा दिया है। तो फोन के सिक्योरिटी के नजरिए से एक काफी अच्छा फीचर है। इसके अलावा वीडियो असिस्टेंस का फीचर, जो कि लास्ट टाइम मैं आपको बता चुका हूं काफी इंटरेस्टिंग फीचर है, वो भी आपको यहां पर देखने को मिलता है। इसके अलावा किड्स मोड का ऑप्शन भी दिया गया है, अगर आप अपने बच्चों को फोन देते हैं तो आप पर्टिकुलर किसी भी ऐप के ऊपर लॉक लगा सकते हैं, टाइम स्केड्यूल कर सकते हैं, अगर आप अपने बच्चों के लिए डिवाइस परचेज कर सकते हैं तो आप वहां पर डेटा लिमिट सेट कर सकते हैं, तो काफी यूजफुल फीचर है। इसके अलावा आपको फोटो कंप्रेसर जैसा फीचर भी यहां पर देखने को मिलेगा, तो काफी ज्यादा इंप्रूव फीचर यहां पर आपको देखने को मिलेंगे XOS 7.6 के साथ। और गाइस, ये जो फीचर मैं बता रहा हूं ये आपकी डे टू डे लाइफ में डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। गाइस, अब बात करते हैं डिवाइस के डिजाइन की, तो कुछ ऑफिशियल इमेजेस आप देख सकते हैं जो इन्फिनिक्स ने हमें शेयर किए थे, तो यहां पर आप देख सकते हैं काफी इंटरेस्टिंग सा और काफी यूनिक सा डिजाइन आपको डिवाइस के साथ में देखने को मिलता है। अगर बात करें कैमरास को लेकर, तो रियर साइड में आपको 48 मेगापिक्सल के ट्रिपल
रियर कैमराज देखने को मिलेंगे और कैमरा के अंदर यहाँ पर काफी सारे एडिशनल फीचर भी ऐड किए गए हैं, जैसे 240 fps तक के स्लो मोशन वीडियो, टाइम लैप्स वीडियो, शॉर्ट वीडियो, काफी सारे इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। इसके अलावा बोके वीडियो जैसा इंटरेस्टिंग फीचर भी आपको इस बार कैमरा के साथ में देखने को मिलेगा। ये डिवाइस 4GB 64GB और 6GB 64GB दो वेरिएंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। प्राइसिंग को लेकर अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, बट जहां तक मुझे लगता है प्राइसिंग 10 से 12000 के बीच में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि प्राइसिंग हमेशा की तरह इन्फिनिक्स काफी ज्यादा अग्रेसिव रखने वाला है। गाइस इसके अलावा और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग फीचर है, बट अभी के लिए मैं आपको नहीं बता सकता, उसके लिए आपको ऑफिशियल लॉन्च का वेट करना पड़ेगा। तो अगर सिचुएशन अच्छा रहा, रिव्यू नोट हमें टाइम पे मिल गया, तो डेफिनेटली आपको अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू भी चैनल पर देखने को मिलेगा, तो उसके लिए चैनल को जरूर से स्टे ट्यून कर लेना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट आपको आगे भी देखने को मिलते रहे। और हाँ, नीचे कमेंट्स में जरूर से बताना कि आपको डिवाइस कैसा लगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई सी यू गाइस इन दी नेक्स्ट वीडियो।